हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू दूंगी आपको मेक योर ओन स्लाइम का, जो कि मैंने दराज से ऑर्डर किया है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें सबसे पहले हमें एक कंटेनर दिया है और दो आइसक्रीम स्टिक्स दी हुई हैं, और ये हमारे पास आ गया मैजिक ग्लू। मैजिक ग्लू की इसमें तीन बॉटल्स दी हुई थी और एक दिया हुआ था एक्टिवेटर। और इस कंटेनर में हमें कुछ ग्लिटर्स दिए हुए थे, ये कलर्स दिए थे, और एक सॉफ्टनर भी था इसमें, और ये बॉल्स दिए हुए थे हमें बोल के। और ये रही सबसे मेन चीज़, जो कि इंस्ट्रक्शन का पेपर है। इसमें सारा लिखा हुआ है कि कैसे कैसे हमें स्टेप्स करने हैं स्लाइम बनाने के लिए। सबसे पहले हमने कंटेनर में मैजिक ग्लू लेना है। जितनी क्वांटिटी हमने मैजिक ग्लू की रखी है उतनी ही क्वांटिटी नीम गर्म पानी की लेके हम उस बॉटल में डाल के मिक्स करेंगे, और फिर हम इस कंटेनर में डाल देंगे। अब हमें ये सॉफ्टनर दिया हुआ है, सॉफ्टनर हम इसमें 3 to 4 ड्रॉप्स ऐड करेंगे बस। देन फिर हम इसमें जो कलर्स दिए हुए हैं उसमें से मैंने पिंक कलर लिया, जो कि बहुत ही लाइट कलर था। पता भी नहीं चल रहा था कि ये कलर ऐड किया है इसमें, बिल्कुल लाइट सा बेबी पिंक हो गया था। इसको मिक्स करने के बाद हम एक्टिवेटर लेंगे। एक्टिवेटर हमने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करते हुए मिक्स करते जाना है। एक्टिवेटर डालने के साथ साथ ही आपकी स्लाइम हार्ड होती जाएगी। अब इसमें जो ग्लिटर्स हमें दिए गए हैं वो हम ऐड कर देंगे। कुछ सीक्वेंस भी ऐड कर देंगे और थर्मोकोल के बॉल्स भी जो हमें दिए गए। मज़ीद मिक्स करते करते हमारे पास एक स्लाइम का फॉर्म आ जाएगा। डाउट ये स्लाइम अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी क्योंकि ये ज़्यादा हाथों में चिपक नहीं रही थी और स्ट्रेचेबल भी थी। और फिर मैंने इस कंटेनर में सेव करके रख दी ताकि मैं बाद में यूज़ कभी कर सकूँ। तो आप ही स्लाइम बनाकर सेव करके रख सकते हैं इसी कंटेनर में।